आज की वीडियो में बेसिकली जो है नशे के इलाज के मतलब कुछ चीज़ें जो है शेयर करूंगा। मुझे अक्सर कॉल आती हैं और नशे के इलाज के मतलब इंफॉर्मेशन चाहते हैं लोग कि सर हम नशा करते हैं, इसको छोड़ना चाहते हैं, क्या तरीकाकार। तो जाहिर सी बात है तरीकाकार जो है जो नशे के इलाज का है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडोर सेटिंग और सेकेंड प्रायोरिटी पे जो है आउटडोर सेटिंग। इंडोर सेटिंग के लिए जो है 80-90% जो लोग हैं, बल्कि 100% लगा लो पाकिस्तान में, कि वो विलिंग नहीं होते। वो कहते हैं हम जो है घर में रहते हुए नशे को छोड़ना चाहते हैं और डिफरेंट जो है लेम एक्सक्यूजेस करते हैं, हम घर में रहते हुए जो है छोड़ेंगे, इसके अलावा हमारा बिजनेस का मसला है, जॉब का मसला है, कोई एजुकेशनल प्रॉब्लम है, कोई फैमिली क्लैशेज है, समथिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो जो है कहते हैं कि हम जो है इलाज को घर में रहते हुए करना है, हमने इंडोर सेटिंग में नहीं करना। आप हमें बताएं आउटडोर सेटिंग के अंदर इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इंडोर सेटिंग में बेसिकली जो है चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, नशे से दूरी जो है अख्तियार करना बहुत आसान होती है, लेकिन आउटडोर सेटिंग के अंदर नशा छोड़ने के बाद जब अलामतें आती है तो इंसान मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है और दोबारा नशा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे जो है लोग वो जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे आउटडोर सेटिंग यानी कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर, साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर या जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं और समझते हैं कि हम जो है इस नशे से निजात हासिल कर सकते हैं और बासानी जो है निजात हासिल कर सकते हैं, इसको छोड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बच्चों वाला काम है, हमने खुद ही जो है नशे को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं और छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो है वो लोग कई बार मुझे 2 महीने बाद 6 महीने बाद फिर कॉल करते हैं कि रिलैप्स हो गया, हम जो है दोबारा नशे की तरफ चले गए, हम जो है दोबारा नशा करना शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने जो कहा था, सर आपने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, बहुत मसले बनते हैं लेकिन मजबूर हैं कि हम कहीं दाखिल होकर इलाज नहीं करवा सकते, या तो इसका इलाज दाखिल होकर जो है बहुत महंगा है या जो है टाइम ड्यूरेशन इतना लंबा है कि वैसे जो है दिल फट कर बाहर आ जाता है, हम घर से दूरी अख्तियार नहीं कर सकते। इवन के घर से दूरी अख्तियार करें कैसे, हमारे जो है घर वालों को पता ही नहीं है मैं ये काम करता हूँ, हमारी फैमिली में किसी को नहीं पता, अगर पता है तो मेरी मिसेज को पता है, अगर पता तो मेरे माँ बाप को पता है, किसी दूसरे को नहीं पता। इससे तो जो है हमारे घर वालों की जो इज्जत है वो खराब हो जाएगी। आप बताएं हम क्या करें, क्या करें, हम जो है चाहे काउंसलिंग के 2 सेशन ले लें, रोजाना सेशन ले लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, हमें जो है घर में रहते हुए हमारा ट्रीटमेंट करें। तो भाई सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर इलाज को इलाज के तरीकाकार के मुताबिक जो है ना किया जाए तो वो इलाज नहीं होता, वो मजाक होता है, आपकी जिंदगी मजाक नहीं, सच्ची बात है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के साथ जो है खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एट दी एंड फिर भी जो है उनकी फैमिली फिर फोर्सफुली जो है उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर जाती हैं कि कहीं ये मर ना जाए, कहीं ये जो है कुछ ऐसा वैसा गलत ना कर दे, कहीं जो है इससे कुछ ऐसा वैसा हो ना जाए, बेहतर ये इसका इलाज करवा लें। तो बाद में जो आपने स्टेप लेने हैं वो आप स्टेप पहले ले लें। याद रखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जितना मर्जी हम उनको छुपाने की कोशिश करें वो छुपाई नहीं जाती। तो नशे का इलाज जो है अगर आप करवाना चाहते हैं ना तो आप जो है कोशिश करें इंडोर सेटिंग में मैक्सिमम, अगर जो है मिनिमम की तो बात ही छोड़ दें, मैक्सिमम तो इसका जो ड्यूरेशन है वो है 90 डेज का, 90 दिन का ड्यूरेशन है, और अगर जो है इसका मिनिमम ड्यूरेशन भी आप करना चाहते हैं ना तो मिनिमम जो ड्यूरेशन है 20 दिन का इंडोर सेटिंग के अंदर ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू करें ताकि इसके विड्रॉल तो जो है उन डेज में कवर हो सके। बाकी जो है आप आउटडोर सेटिंग में जो है लेते हैं इनिशियल फर्स्ट जो स्टेज होती है डिटॉक्सिफिकेशन वो जो है आप इंडोर सेटिंग में कर लें, बाद में जो है प्रॉपर जो है साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज करें और प्रॉपर जो है इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें ताकि आपका इलाज जो है अच्छा हो सके। तो बहुत सारे जो है सवाल जो है इसके इलाज के मुतल्लिक है कि हमारा जो है आउटडोर सेटिंग के ऊपर जो इलाज है वो क्यों फायदेमंद नहीं है, तो क्योंकि ये जो लोग हैं ये कंट्रोल एनवायरनमेंट के बगैर नहीं रह सकते। घर में जो है आप जो मर्जी कर लें, इन्हें पता होता है कि जो है घर वालों की कौन सी दुखती हुई नब्ज़ पे पांव रखना है और कैसे अपना मतलब निकलवाना है, और बहुत सारी फैमिली ये गलती करते हैं कि अपने प्यारे को घर में रखते हुए इलाज करवाने की कोशिश करते हैं
और फिर उनका प्यार उनके इमोशंस के साथ जो है खिलवाड़ करता है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, और इवन के उन्हें बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा देता है। बहुत सारे जो है लोग हैं फेलियर हो जाते हैं और उनका पेशेंट जो है रिलैप्स में चला जाता है। तो ये गलती जो है ना करें, सिर्फ वो पेशेंट जो है वो कर सकते हैं जो प्रॉपर जो है सिर्फ और सिर्फ सिंपल एडिक्शन के साथ है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं एसोसिएट। जैसे कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकता है, वो उनका जो ताल्लुक है खुद अपने आप से भी है, रियलिटी से भी है कि रियलिटी से एक ताल्लुक खत्म होना हुआ हो, तो इसलिए जो है वो चीज़ों को मैनेज कर सकता है। अगर वो समझते कि आप ये छोटी सी बात पे गुस्सा कर लेगा और ऐसा वैसा हो जाएगा, तो फिर जो है आप उसका जो इलाज है आउटडोर सेटिंग में ना करें, कोशिश करें इंडोर सेटिंग में उसके विड्रॉल को क्लियर करें और उसका बाद में इलाज जो है कंटिन्यू रखें। तो यही जो है सिंपल सा इलाज का तरीकाकार है, और आप इसको फॉलो करेंगे तो आप जो है अपने प्यारे का इलाज करवा सकती हैं, खुद अपना इलाज करवा सकते हैं, वरना नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का जो है सवाल हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।